सो दोस्तों देख सकते हैं अभी पूरा सनसेट होने वाला है, पूरा कितना प्यारा व्यू आ रहा है दोस्तों। यह है दोस्तों सातों घाटी डैम, यानी कि यहाँ पर दोस्तों पूरा सात पहाड़ है अलग अलग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों अभी मैं आया हूँ दोस्तों शाम को सनसेट देखने के लिए एक डैम पर, जो की है सातों घाटी डैम। दोस्तों बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, एकदम मस्त, क्या ही एकदम शब्द नहीं है दोस्तों, पूरा लाजवाब है। तो देख सकते हैं मेरे पीछे सनसेट अभी हो रहा है, तो वही मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अभी कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक ऐसी ब्यूटीफुल साइट जिसे आज भी काफी लोग अनजान हैं, जहाँ पर ऊंचा ऊंचा पहाड़ और अलग अलग पेड़ पौधों से घिरा हुआ ये ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में से एक है। बालेश्वर से 30 किलोमीटर दूर ये जगह है ओडिशा की कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शुरू होता है बालेश्वर की नीलगिरी से। इस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में दिखता है जंगली हाथी और हिरन जैसे कई सारे ब्यूटीफुल जानवर, जैसा की टाइगर, पाइथन और भी कई सारे छोटे बड़े पशु पक्षी, जो की इस कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को खूबसूरत बनाती है। और मैं आया हूँ यहाँ पर एक खूबसूरत सी सनसेट व्यू की तलाश में। फिर मुझे दिखा ये खूबसूरत सी पहाड़ व्यू, जहाँ पर सात अलग अलग पहाड़ है। पर दोस्तों पूरा चारों तरफ जंगल की जंगल, ये कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाता है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, और पूरा यहाँ पर एकदम सिनेमेटिक ब्लॉग हो गया है दोस्तों। ये एकदम पूरा ही क्लियर एंड बहुत ही मस्त दिख रहा है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग है दोस्तों, बहुत ही एकदम नेचुरल प्लेस है दोस्तों ये कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बहुत ही अच्छा एकदम से मस्त लग रहा है, क्या ही बताएं दोस्तों। ओह माय गॉड, देख सकते हैं अभी पूरा सनसेट होने वाला है, पूरा कितना प्यारा व्यू आ रहा है दोस्तों। यह है दोस्तों सातों घाटी डैम, यानी कि यहाँ पर दोस्तों पूरा सात पहाड़ है अलग अलग, देख सकते हैं छोटे बड़े बहुत सारे पहाड़ है, देख सकते हैं पूरा अलग अलग दिख रहे हैं, यानी कि छोटे बड़े बहुत ही सारा पहाड़ है। और ये है दोस्तों इस डैम का नाम है दोस्तों सातों घाटी डैम, जो की दोस्तों कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाता है। देख सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा स्पॉट है दोस्तों, पिकनिक करने के लिए तो बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ पर अभी हम शाम को घूमने आए हैं, सनसेट देखने आए हैं बेसिकली दोस्तों, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, क्या ही बताएं दोस्तों। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो एकदम एक लाइक ठोक दे दोस्तों। और देख सकते हैं अभी पूरा सनसेट होने वाला है, तो सनसेट व्यू आप लोग को एंजॉय कराते हैं वीडियो के माध्यम से, बहुत ही प्यारा, क्या ही बताएं दोस्तों, एकदम से पूरा प्यारा गहरा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। देखिए देखिए ब्लॉग देखिए, जब ये यूट्यूब पर डलेगा तब देखिएगा कितना सुंदर व्यू है। ओह माय गॉड, और जो जो भी देख रहे हैं दोस्तों मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, तो थोड़ा सपोर्ट कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब करना जरूर चैनल को। तो ऐसे इसी तरह का बहुत ही नेचुरल प्लेस का ब्लॉग आएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैकिंग करेंगे, तो यही बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को। तो ब्लॉग जो भी देख रहे हैं ब्लॉग को, इस चैनल को नवो किशोर ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग को कैसी लगी वो भी अपनी कॉमेंट में राय जरूर देना दोस्तों।
कि सातों घाटी डैम है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू आ रहा है और यहाँ पर अभी सनसेट भी हो रहा है। बहुत ही कम पानी है दोस्तों, बारिश के दिनों में बहुत ही ज्यादा पानी होता है और चारों तरफ ये जंगल है दोस्तों, ये कुलढिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, तो बहुत ही प्यारा जगह है। नीलगिरी में एकदम मस्त जगह है दोस्तों, और देखो 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 जरा इस नज़ारे को, क्या ही बात है, एकदम मस्त। आई होप कि दोस्तों ये मेरा सातों घाटी डैम वाला ब्लॉग आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। बहुत ही नेचुरल प्लेस पर आया हूँ दोस्तों, तो आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो पर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही छोटा ब्लॉग है दोस्तों ये मेरा चैनल का, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या ही बताएं, अल्टीमेट व्यू। तो मिलते हैं दोस्तों और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।